ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन व खातमिन नबियीन मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن حسين بن علي في السماء أكبر منه في العرض والمكتوب عن يمين عرش الله مصباح هدى وسفينة النجاة صلوات پڑھے محمد و آل محمد سب سے پہلے گزارش کروں گا آپ حضرات سے कि जश्न आमद इमाम हुसैन है, उनके एहतराम को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए कुछ बातें इमाम हुसैन के हवाले से और उनकी फ़दीलत के एतबार से आप तक पहुंचाई जाए, थोड़ा थोड़ा जो है करीब आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अदीदा ने गिरामी, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फिर ये शब, फिर ये मुसर्रत हमें और आपको साले आइंदा जो है नसीब होगी। लिहाजा मुझसे कहा गया है और हुक्म दिया गया है, मैं इस हुक्म की तामील करते हुए इस बात से आप हजरात को बाखबर करना चाहता हूँ कि वक्त का लिहाज रखे, फ़ायदा हमारा और आपका होगा। 8:30 बजे का ऐलान था, लेकिन सामेईन जो है वो 9:30 बजे आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि फिर शोरा हजरात मौला इमाम हुसैन की खिदमत में अपना नजराना नहीं पेश कर सकते और वो यहाँ से तशना जाए, ये अच्छी बात नहीं है। इन सारी चीज़ों को हमें और आपको ख्याल रखना पड़ेगा, इसलिए ये याद रखिएगा कि ये बारगाह ऐसी है कि यहाँ पर जश्न मुसर्रत में अगर आकर एक मोमिन मुस्कुरा देता है तो उसका नाम भी जो है फरिश्ते लिख लेते हैं। हमेशा कोशिश कीजिए जश्न मुसर्रत आइमा मासूमीन में अपने आप को वहाँ तक पहुँचाने की। इस वक्त आपका मर्तबा सबसे बुलंद है, आसमानों पर भी बुलंद है, इसलिए कि हुराने बहिश्त ये पूछती हैं कि जब यहाँ से फरिश्ते वहाँ पहुँचते हैं कहाँ से आ रहे हो, ऐसी खुशबू तो अभी तक हमने भी नहीं सूंघी है। फरिश्ते कहते हैं कि जश्न हुसैन से आ रहे हैं। तो अदीदान गिरामी, इन सारी चीज़ों का आप हजरात ख्याल रखें, वक्त नहीं है, लेकिन एक मैसेज ज़रूर दूंगा ताकि कल जा कर के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपना चेहरा, अपना मुंह दिखा सकूं। इसलिए कि हमारे यहाँ ये बात, ये बीमारी जो है वो कसरत के साथ पाई जाती है, वो बात बाद में बयान करूंगा। वक्त बहुत कम है, बहुत मुख्तसर सी गुफ्तगू आप हजरात के सामने करनी है ताकि उस दफ्तरचे में मेरा भी नाम लिख दिया जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद है, कल्ब मोमिन शाद व मसरूर है, और ये याद रखिएगा कि कल्ब मोमिन इस तरीके से मुस्कुरा रहा है कि हदीस में 2 जगह ये बात मिलती है कि परवरदिगार आलम ने कल्ब मोमिन को जो है वह हरमुल्लाह कहा है या अर्श हरम कहा है। आए मेरे महबूब, एक ही दिल, एक ही घर और 2 जगह की आमद है, उसमें
या हरमुल्लाह है या अर्शे रहमान है। परवरदिगार आलम कहता है, नादान क्या तुझे नहीं मालूम मोमिन के कल्ब में या अली रहता है या हुसैन रहता है। मोमिन के दिल में या अली रहता है या हुसैन रहता है। मोमिन का दिल इससे खाली नहीं है। अजीदान गिरामी, हुसैन की आमद की शब है। बस थोड़ी सी तारीख के हवाले से बात नौजवान और जवानों और बच्चों तक पहुंचाना चाहता हूं। बुज़ुर्ग हजरात मुझसे बेहतर बाखबर हैं। 50 रात गुजरी थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नूर जो है रहम मादर में मुस्तकर हुआ। अभी हुसैन इस दुनिया में नहीं आए। उम्मुल फ़ज़ल बिनत हारिस ने ख्वाब में क्या देखा कि रसूलुल्लाह के जिस्म का एक टुकड़ा जो है मेरी आगोश में आ गया। वो घबराई, परेशान हुई, मुस्तरिब हुई और बेचैन होती हुई रसूल की खिदमत में तेज़ी के साथ पहुंची और अपने ख्वाब को बयान किया और कहा, या रसूलल्लाह बड़ा बुरा ख्वाब देखा, बड़ा भयानक ख्वाब देखा। रसूलुल्लाह ने ख्वाब सुना, मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा करके फरमाया, अए उम्मुल फ़ज़ल तुम ये क्या कह रही हो, ख्वाब तो नहायत ही तुम्हारा उम्दा है। अनकरीब मेरी बेटी के यहाँ एक बच्चा आने वाला है जो तुम्हारी आगोश में परवरिश पाएगा। अदीदाने गिरामी, ये जुमला और ये ख्वाब की ताबीर बयान किए हुए ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि नूर हुसैन 3 शाबानुल मुअज़्ज़म 4 हिजरी को, नूर हुसैन 3 शाबान 4 हिजरी जुमेरात की रात अपनी जुल्मत के चादर को लपेट रही थी और रात की थकी हुई ये सिसकियां जो हैं एक चांद के आने का शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी कि सुबह सादिक नमोदार हुई और नूर इमामत जो है आगोश सैयदा में ज़याबार हुआ। नसीम सहर जो है वो इस खुशी को अपने दामन में लिए हुए आलम को बाखबर कर रही थी कि रसूल का नवासा आया है, अली का लाल आया है, फातिमा का लख्त जिगर आया है। आए आलम वालों, तुम्हें मुबारकबाद हो, तुम्हें मुबारकबाद हो। इस खबर से रसूल बाखबर हुए, पहुँचे कहाँ पहुँचे, अपनी बेटी के चौखट पर पहुँचे और जाकर के कहा, हुसैन को लाओ। वहाँ 2 रवायत है, उम्मे सलमा थी, उन्होंने लाने में ताखीर की गुस्ल देने के बहाने से, हालांकि गुस्ल दे नहीं रही थी। कहा, ताखीर क्यों कर रही हो? कहा, या रसूलल्लाह नौ मौलूद का गुस्ल। कहा, सलमा तुम क्या कह रही हो, जो सलसबीले जना से पाक होके आया हो उसे तुम पाक कर रही हो? सलमा क्या कह रही हो, जो सलसबीले जना से पाक होके आया हो उसे तुम पाक करना चाह रही हो? लाओ मुझे दो। सलमा ने आगे बढ़ाया, रसूलुल्लाह ने अपने हाथों पर जो है हुसैन को लिया, दाहिने कान में अजान कही, बाएं कान में इकामत कही, मलक और हूरों में जो है खुशी और मुसर्रत होने लगी, नगमा जो है हूरे गाने लगी। अदीदाने गिरामी ये बात याद रखिएगा, इधर हूरों और मलाइका में जो है जश्न सुरूर जैसा समा है और बारगाहे एजदी से रहमत जारी और सारी है। अजीजाने गिरामी, जब फरिश्तों ने ये देखा, क्या देखा? अब यहाँ तक मैं लाने के बाद एक जुमला हवाले करना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा, जन्नत के सारे दरवाज़ों को खोल दिया जाए, जन्नत को सजा दिया जाए। मैं कहूँगा, परवरदिगार ये जन्नत सजी सजाई है, अब सजाने की क्या ज़रूरत है? नादान तुझे नहीं मालूम सरदारे जन्नत आ रहा है। तुझे नहीं मालूम जन्नत का सरदार आ रहा है। मैं यहां पर रोक करके
उन मोमिनीन के हवाले ये जुमला कहना चाहता हूँ कि ये याद रखिएगा कि जब भी आइम्मा मासूमीन की विलादत का दिन हो, इमाम बारगाहों को सजाओ, मुजयन करो, ये याद रखना ये सुन्नत नबी भी नहीं, सुन्नत मासूम भी नहीं, सुन्नत इलाहिया है, सुन्नत इलाहिया है। अल्लाह जन्नत को सजा रहा है, नारे जहन्नम को सर्द कर रहा है। फरिश्तो नारे जहन्नम को सर्द कर दो, नारे जहन्नम में रहने वाले कौन है, या काफिर है, या मुशरिक है, या मुनाफिक है। मैं कहूँगा परवरदिगार इन सबको जलने दे, इतना रहमो करम क्यों। कहा तुझे नहीं मालूम हुसैन आ रहा है, रहीम आ रहा है, करीम आ रहा है। मैं इतना ही कहूँगा है मेरे परवरदिगार, जब हुसैन की आमद पर काफिरों पर इतना रहम है तो हम तो हुसैन के चाहने वाले क्या हमारी तरफ आता नहीं होगी, क्या हमारी तरफ आता नहीं होगी। बस यहाँ पर रोकूंगा और यही कहूंगा दामने मुराद को फैला के बैठ जाओ। जो मांगना है हुसैन की आमद के सदके में अल्लाह से मांग लो, अल्लाह तुम्हें दे देगा। लेकिन अजी तो अब चुपके वाली बात सुनिए, जब ऐसी हालत फरिश्तों ने देखी, सवाल करने लगे अल्लाह से, या इलाही ये माजरा क्या है, या इलाही ये माजरा क्या है। आवाज़ कुदरत आई, फरिश्तों इबादत छोड़ो, जाओ दरे सैयदा पर सलाम करना, मेरी तरफ से मेरे हबीब की खिदमत में मुबारकबाद पेश करना। जाओ फरिश्तों इबादत छोड़ो, इबादत छोड़ो, इबादत हम भी करते हैं, इबादत फरिश्ते भी करते हैं। अगर हमारा कयाम, अगर हमारा रुकू, अगर हमारा सजदा कामिल ना हो तो हमारी इबादत नहीं है। फरिश्तों की इबादत हमारी इबादत में फ़र्क क्या है। हमारे यहाँ कयाम भी है, हमारे यहाँ रुकू भी है, हमारे यहाँ सजदा भी है, लेकिन फरिश्तों की इबादत का अंदाज निराला है। जो रुकू में है वो कयामत तक रुकू में रहेगा, जो कयाम में है वो कयामत तक कयाम में रहेगा, जो सजदे में है वो कयामत तक सजदे में रहेगा। अल्लाह ये कैसी आमद है, अपनी इबादत से फरिश्तों को महरूम कर रहा है। कहा हाँ तुम्हें नहीं मालूम जाने रूहे इबादत आ रहा है, जाने रूहे इबादत आ रहा है। मेरी इबादत हुसैन से बचेगी, मेरी शरीयत हुसैन से बचेगी, मेरा दीन हुसैन से बचेगा। लीजिए अजीजों, फरिश्तों का झुरमुट चला, अर्श से किधर चला, जमीन की तरफ झूमते हुए फरिश्ते चले, खुशी के नगमे गाते हुए चले। चलते चलते बात ये बयान की ही जाती है आमदे हुसैन पर। शायरों ने भी अक्सर अपने अशार में जो है उसकी बात को बयान किया जो मैं अब बयान करने जा रहा हूँ। रास्ते में एक तरके औला का मुर्तकिब फरिश्ता फितरुस पड़ा हुआ था, हजार साल से जो है मातूब था, पड़ा हुआ था, रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। अजीदाने गिरामी अगर एक दो लोग पास से गुजरे तो पता नहीं चलता, लेकिन अगर एक गोल गुजरे तो उसकी हवा का एहसास ज़रूर होता है। जब फरिश्ते आसमान से गिरोह दर गिरोह जो है ज़मीन पर नादिल होने लगे तो फिर उसके कान में आवाज़ पहुँची, कहा यह सनसनाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। गौर से देखा तो फरिश्तों की कतार लगी हुई है, कहाँ जा रहे हैं, ज़मीन की तरफ। फितरुस ने घबरा कर पूछा, जिब्राइल क्या कयामत आ गई, आसमान में भगदड़ मची है, सब छोड़ के जमीन की तरफ जा रहे हो। जिब्रील ने मुस्कुरा करके फितरुस का अजीब जवाब दिया, कहा फितरुस कयामत तो नहीं आई मगर मालिक कयामत आ गया।
मालिक कयामत मालिक कयामत आ गया। फितरुस भी बड़ा चालाक फरिश्ता था, वो भी ऐसा ऐसा फरिश्ता नहीं था भाई, उसको आसमान पर अल्लाह ने कयादत दे रखी थी। वो बहुत से फरिश्तों का जो है वो हेड था। एक दिन देखा फरिश्तों को तो कहा मन मिसली, मेरे मिस कौन है? अल्लाह ने कहा अच्छा तुम भी हमारी मखलूक हो, जिनकी क़यादत तुम्हें हवाले की है वो भी हमारी मखलूक है, हैं तुम्हारा इतना भाव ऊंचा हो गया कि तुम हमारी छोटी मखलूक, यानी मखलूक तो सब बराबर है ओहदे के एतबार से, तुम तकब्बुर कर रहे हो, घमंड कर रहे हो। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह तकब्बुर करने वाले को पसंद नहीं करता। हमारी और आपकी बात तो जाने दीजिए, वो बेचारा जो अल्लाह की इबादत ही कर रहा था, थोड़ा सा गुरूर आया, अल्लाह ने बारों बालों पर छीन लिया, जमीन पर उतार के फेंक दिया, कहा जाओ। तकब्बुर सिर्फ खुदा को पसंद है, इसलिए कि वो किसी का मजबूर नहीं है। जो मजबूर हो उसे तकब्बुर करना अच्छी बात नहीं है। इसलिए फितरुस 1000 बरस जो है बालों पर छीने हुए हैं, रो रहा है, तड़प रहा है। जिब्रील ने कहा हाँ जा रहा हूं, नवासे रसूल आया हुआ है, फातिमा का लाल आया हुआ है। कहा जिब्राइल, वही कहते जब आदमी ऐसी जगह पे रहता है तो बड़ी इल्तिमास और गुजारिश करता है, जिब्राइल बहुत नहीं हो गया हूँ, बहुत कमजोर हो गया हूँ, मेरे ऊपर रहमो करम करो, मुझे भी साथ ले चलो। जिब्राइल नुमाइंदे थे, 1000 फरिश्ते, 70,000 फरिश्ते नादिल हुए, रवायतों में मिलता लाखों फरिश्ते नादिल हुए। कहाँ है? दरे सैयदा पर। फितरुस कहाँ आया? दरे सैयदा पर। जिब्राइल ने सलाम किया, मुबारकबाद पेश की, रहमतुलिल आलमीन की नज़र घर के एक कोने में पड़ी, देखा एक मजबूर खड़ा हुआ है, मुस्कुरा के रहमतुलिल आलमीन ने पूछा घर मुख्तार का है, ये मजबूर कैसा खड़ा हुआ है? मुख्तार का घर है, ये मजबूर कैसा है? जिब्राइल है कौन? जिब्राइल ने पूरी स्टोरी सुनाना शुरू की, पूरी कहानी सुनाना शुरू की। कहा या रसूल अल्लाह, लेके इसलिए आया हूं कि आप इसके हक में दुआ कर दें, अजीजाने गिरामी अकीदे को मजबूत करने के लिए और मजबूत बनाए रखने के लिए, आपकी पूरी जिंदगी के लिए आज का ये जुमला काफी है और इंशाअल्लाह कब्र से लेके हश्र तक काम आने वाला है। कहा ये मजबूर कैसा मुख्तार का घर है? कहा इसलिए लाया हूं, मातूब है, अल्लाह की तरफ से जो है अजाब शुदा है, अल्लाह की तरफ से रानिंदा बारगाहे इलाही है ये। कहा क्या हुआ? पूरी स्टोरी बतलाई तो रहमतुलिल आलमीन मुस्कुरा के अजीब बात कहने लगे। कहा जिब्राइल, फितरुस से कहो हुसैन के गहवारे से अपने आप को मस कर ले। गौर सुनते सुनिएगा, गौर से, मैंने फिर कहूंगा, अकीदे की मजबूती के लिए, ईमान की तकवियत के लिए, हश्र से लेके यानी कब्र से लेके महशर तक आपके लिए यह जुमला हमेशा काम आएगा, और इसी अकीदे पे जिंदा रहिएगा, इसी अकीदे को लेके दुनिया से चले जाइएगा। कहा गहवारे से मस कर दो। जिब्रील ने खबर दी फितरुस को, फितरुस गहवारे हुसैन के पास आए,
गहवारे को चूमा, बालों पर मिल गए, गुनाह माफ हो गया, अजाब इलाही खत्म हो गया। जो ताकत और कुव्वत कमजोरी में तब्दील हो गई थी, पूरा स्टेमिना जो है, पूरी ताकत जो है, किसको मिल चुकी है? फितरुस को मिल चुकी है। अजीजा ने गिरामी, फितरुस को हुसैन के गहवारे से फितरुस ने मच किया, सब कुछ मिल गया। मैं एक बात कहूँ, ऐ मेरे रसूल, क्यों ना कहा हुसैन के हाथ चूम ले, हुसैन का पैर चूम ले, उस वक्त भी तो ये सारी चीज़ें मिल सकती थी। शायद रसूलुल्लाह जवाब दे, नादान तुझे नहीं मालूम, जो मैं देख रहा हूँ वो तू नहीं देख रहा है। हुसैन 57 साल जिंदा रहेगा, फिर इस दुनिया से चला जाएगा, और हुसैन के चाहने वाले रोजे कयामत तक सेहत कैसे मांगेंगे, शफाअत कैसे मांगेंगे? कहाँ चूम लेना, तालियां चूम लेना, अलम चूम लेना, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ये फलसफा है, फितरुस को आज़ादी देने का, गहवारे से मच कराने का। बताया रसूलुल्लाह ने, मेरा हुसैन 57 बरस की उम्र में इस दुनिया से चला जाएगा, जमाना और आएगा, हुसैन के मानने वाले और आएंगे, मजबूर होंगे, बीमार होंगे, परेशान हाल होंगे। हुसैन ज़ाहिरन इस दुनिया से जा चुका होगा, शफा कहाँ मिलेगी, सेहत कहाँ मिलेगी, मुश्किल कहाँ हल होगी? कहाँ, मैं ये बताए दे रहा हूँ, हुसैन ना भी रहे, लेकिन जो चीज़ हुसैन से मंसूब हो जाए उसे चूम लेना, अल्लाह तुम्हें सारी चीज़ें अता कर देगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। दाने गिरा में फितरुस चला, अब ये नहीं कह रहा है मन मिसली, कहता है आगे अनातिकुल हुसैन, मैं हुसैन का आजाद करता हूँ। बेखतर हो गया, बेखौफ हो गया, कहा अब किसका डर, अब मैं पावर बता रहा हूँ, हुसैन का पावर कितना है, हुसैन को अल्लाह ने कुव्वत कितनी दे रखी है, हुसैन के पास ताकत कितनी है। फितरुस यहाँ का गुनहगार नहीं था, फितरुस आसमानी गुनहगार था, बारगाहे इलाहिया का गुनहगार था। अल्लाह ने उसे जमीन पर भेजा, हुसैन ने बालों पर दे करके उसे आसमान पे भेज दिया। ये अख्तियार हुसैन, ये अख्तियार हुसैन। अब हुसैन के जरिए से मौजजा सुनो तो ताज्जुब ना करना, परेशान ना होना, ये सब हुसैन की तरफ से हम गुलामों के लिए क्या है, अता है। बस अजीदाने गिरामी, मौलूद इमाम हुसैन है, आमद हुसैन की शब है। मैं अपने नौजवानों को इमाम हुसैन पर एक मैसेज और एक पैगाम देना चाहता हूँ, और वो ये है कि अपने आप को अकीदों से मुदय्यन रखो, सजाए रखो, अपने ईमान को कवी और मजबूत रखो। हमला हमेशा होगा, हमला चारों सिमत से होगा, शैतानी दिमाग और फिक्र रखने वाले हमेशा आपकी टहों में लगे हुए हैं। कैसे ये कौम ख़त्म कर दी जाए, कैसे ये कौम बर्बाद कर दी जाए, इसलिए कि जब भी हमने देखा हक की आवाज़ को अगर किसी ने बुलंद किया तो वो या शिया का बच्चा था या मुल्क शिया था। ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद हर्फ आखिर, और आपकी सहमत तमाम करूँगा, नौजवान और जवानों के लिए, हुसैन अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत करते थे, बगैर माँ के खाना नहीं खाते थे,
अगर आंसू भी आ जाए तो ये भी सुन्नत रसूल है। इसलिए कि जब हुसैन दुनिया में आए थे जिब्रील ने मुबारकबाद के साथ ये खबर भी दी थी। हुसैन माँ से बड़ी मोहब्बत करते थे। अगर हम सच्चे आशिक़ हुसैन हैं, अगर हम सच्चे मुहिब्बे हुसैन हैं, तो हमारा भी ये फ़र्ज़ है, लाजिम है हमारे ऊपर कि हम अपने वालदैन से बिलखसूस माँ से ज़्यादा मोहब्बत करें, माँ से ज़्यादा मोहब्बत करें। लेकिन शिकायत जो हम तक पहुँचती है वो यही पहुँचती है कि बच्चों के कानों में मौलाना मेरी आवाज़ भी जाती है मगर वो मेरी आवाज़ पर लब्बैक नहीं कहते। वान सुना करके घर की चौखट लांग जाते हैं, चले जाते हैं। दीदो हुसैन की मोहब्बत ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती। इसलिए अगर मोहब्बत का दावा है तो उस चीज़ को आपको अमल से साबित करना पड़ेगा, नहीं तो दावा झूठा कहा जाएगा, सच्चा नहीं होगा। अगर हुसैन के चाहने वालों की माँ आवाज़ दे तो जिस तरीके से हुसैन लब्बैक कहते थे, हमारे किरदार में भी वो झलक होनी चाहिए कि हम अपनी माँ की आवाज़ पर लब्बैक कहें। मोहब्बत कहते किसे हैं? मोहब्बत क्या इसका नाम है कि हम अदादारी करें ये मोहब्बत, हम फर्श अदा बिछाएं ये मोहब्बत, हम करबला के जाहिर हो जाए ये मोहब्बत। बस हर्फ आखिर और बात को तमाम करूंगा, बहुत मुख्तसर वाकया मगर हमारी और आपकी ज़िंदगी को संवारने वाला वाकया है। देखिए कैसे कैसे आशिक़ हुसैन हैं, कैसे कैसे इश्क़ हुसैन रखने वाले, इश्क़ रसूल रखने वाले, मगर माँ की खिदमत को इस तरीके से अंजाम दिया कि रसूल की मोहब्बत दिल में लेके चले गए मगर रसूल का दीदार भी ना किया। लेकिन रसूल ने क्या कहा? जज़ाकल्लाहु खैरा, मैं उससे राजी हूं, मेरा खुदा भी उससे राजी है। बहुत मुख्तसर बात को ख़त्म करूंगा। अगर मैसेज ना दिया जाए तो हमारी और आपकी ये 2 घंटा और 3 घंटा की नसीब जो है उसका कोई माँ हसल नहीं निकलता कि हमारे बच्चे यहाँ से जाएं तो अपनी फिक्र में एक बात लेकर के जाएं कि हमें हुसैन का आशिक कैसा होना चाहिए, हमें हुसैन का मुहिब कैसा बनना चाहिए, वैसे करनी है। जो दिल में रसूल की मोहब्बत रखते हैं और ईमान कामिल रखते हैं मगर उन्होंने अपनी आंखों से रसूल को नहीं देखा, एक जमाना पाया है वैसे करनी ने, दिल में मोहब्बत इश्क प्यार सारा का सारा रसूल से भरा हुआ है मगर जाहिरी निगाहों से रसूल को नहीं देखा। यमन के रहने वाले गरीब आदमी थे, चरवाही का काम करते थे, लोगों की भेड़ बकरियां चराते थे, शाम में ला करके उनके घर के हवाले करके जो उजरत मिलती थी उससे अपने रोज़मर्रा की जो है ज़िंदगी गुजारते थे। घर में एक बूढ़ी माँ थी जिसकी खिदमत करते थे लेकिन सोते जागते उठते बैठते रसूल का कसीदा पढ़ते थे, रसूल की मोहब्बत का जिक्र करते थे। एक दिन माँ कहने लगी, बेटा उवैस तुम रसूल पर ईमान रखते हो, रसूल से मोहब्बत भी करते हो, रसूल को देखा भी नहीं है और इतनी मोहब्बत तुम्हें रसूल से है, अगर रसूल को देख लोगे तुम्हारी मोहब्बत में और इजाफा हो जाएगा। वैसे करनी ने जवाब क्या दिया मालूम है आपको? मादरे गिरामी, दिल तो बहुत करता है मगर आपकी खिदमत करना मेरे ऊपर लाजिम और वाजिब है, लिहाजा आपकी खुशी में मैंने ये आरज़ू और तमन्ना अपने दिल में छुपाए रखी है। इसलिए कि वह जानते हैं कि जिस नबी की मोहब्बत मेरे दिलो दिमाग को पागल किए हुए है उसी नबी का हुक्म है कि माँ की खिदमत करना, माँ की अताअत करना। मोहब्बत बतला रहा हूं अदीदो, मोहब्बत अहले बैत से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, इश्क हुसैन कैसा होना चाहिए, रसूल से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए,
वैसे करनी ने अपनी हयात में ये बतला दिया। माँ कहने लगी, बेटा तुम्हें मेरा ख्याल है, जाओ मैं जिंदगी काट लूंगी। नहीं मादरे गिरामी, कौन देखेगा, मैं अमीर भी नहीं हूँ, गरीब हूँ, किसको रख के जाऊँ, रोज कमाता हूँ, लाता हूँ, घर का खर्चा चलता है, जाने दीजिए। माँ कहने लगी, इंतजाम कर दो, तुम चले जाओ, लेकिन एक शर्त है, 3 दिन जाने में और 3 दिन आने में, जब मदीने पहुंचना तो अगर सुबह को पहुंचे हो तो ज़ियारत करके दोपहर को पलट जाना, अगर दोपहर पहुंचे हो ज़ियारत करके शाम में लौट आना, वहां कयाम न करना। अदीदाने गिरामी, इजाजत मिल गई, माँ खुशी खुशी अपने बेटे को रुखसत की। ये देहाती आदमी, ये गरीब आदमी जब मदीने की सरजमीन पर वारिद हुए तो आज ही का दौर नहीं है, उस जमाने के उमरा ने भी, सलातीन मदीना ने भी ऐसे, उसकी खबर कौन ले ये नहीं मालूम, बोसीदा लिबास में गौहर जा रहा है, पोशीदा लिबास में गौहर जा रहा है, हीरा जा रहा है, मोती जा रहा है, किसी को क्या खबर। मजनून और दीवाने की तरह वो ऐसे करनी रसूलुल्लाह का पता लगा रहे हैं। बताने वाले ने बता दिया आखिर में कि रसूल मदीने में नहीं है, रसूल मदीने से जा चुके हैं, कल तशरीफ लाएंगे। क्या कहा, रसूल मदीने में नहीं है, कल तशरीफ लाएंगे। सोचिए ऐसे आशिक रसूल के दिल पर क्या गुजरी होगी। इधर माँ का हुक्म है कि मदीने में कयाम न करना, अगर सुबह पहुंचे हो तो दोपहर लौट आना, दोपहर पहुंचे हो शाम में लौट आना। मेरा रसूल मदीने में है ही नहीं, मेरा रसूल कब आएगा, कल आएगा, मुझे यहां कयाम करना पड़ेगा। हम और आप होते तो क्या करते, हम और आप होते तो क्या करते। पूरी हयात में अच्छा मौका मेरी माँ ने दिया है, अरे भाई सच बात है, झूठ है ही नहीं, मदीने पहुंचा रसूल थे ही नहीं, रुक जाते, ज़ियारत करके जो है कल चले जाते। मगर नहीं अजीजो, एक तरफ माँ का हुक्म है, दूसरी तरफ ज़ियारत रसूल का इश्तियाक है, इस दोनों के दरमियान जो है जनाबे वो ऐसे करनी फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करूं, क्या करूं। लेकिन वो इतना जानते हैं कि जिस रसूल पर मैं ईमान लाया हूं, उस रसूल के कौल पर अमल करने का नाम ही असल मोहब्बत रसूल है, असल इश्क रसूल है, फिर भी वो फैसला नहीं कर पा रहे। पूछे तो किससे पूछे, इतने में जो है कायनात का मुश्किल कुशा अली नजर आया। वैसी करनी पहुंचे, या अली मदद, हम ही और आप नहीं पुकारते, उस जमाने में जब सामने अली थे तब भी लोग सदा देते थे, या अली मदद। अली ने क्या दौलत की मदद की, जवाहरात की मदद की, नहीं, मसला क्या था, मसला शरई था। यहां पर रोक करके जवानों को एक बात कहूंगा कि सबसे बेहतरीन मदद शरीयत में यह है कि अगर कोई मुसलमान फिकही मसले से ना आशना हो और उसे आशना करा दिया जाए, यह सबसे बेहतरीन मदद है, सबसे बेहतरीन मदद है। सवाल रखा के सामने, या अली मदद क्या बात है, कहा मैं आया था रसूल की ज़ियारत के लिए, रसूल मदीने में नहीं है, कल आएंगे, मेरी माँ का हुक्म ये था कि मदीने में कयाम न करना, मैं क्या करूँ। वारे मेरे मौला, मेरे मौला ने जवाब दिया, और कयामत तक आने वालों को जो है वो मेरे मौला ने जो है बतला दिया। कहा मेरे मौला ने, वैस माँ का हुक्म वाजिब है, ज़ियारत रसूल मुस्तहब है, जब वाजिब और मुस्तहब में टकराव हो
तो वाजिब पर अमल करना, मुस्तहब को छोड़ देना। मुस्तहब को क्या करना? छोड़ देना। वह समझ गए कि अब पलटना ही है, अब पलटना ही है। फिर वही बात कहूंगा, ये सोच के लौटे, ये सोच के लौटे है वैस कि रसूल की ज़ियारत जो है उसका इश्तियाक लेके आया हूँ, मगर रसूल का जो हुक्म है वो क्या है कि माँ का हुक्म वाजिब है, माँ की अताअत वाजिब है। लिहाजा असल मोहब्बत किसे कहते हैं? कौल रसूल पर अमल करने का नाम असल मोहब्बत है। असल मोहब्बत इसे कहते हैं जो ऐसे करनी ने अंजाम दिया, सर झुकाया, चले गए किधर? यमन की तरफ। रसूलुल्लाह मदीने में आए, मुस्कुरा के कहने लगे, मैं अपने जाहिर की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। आए मेरे दोस्तों, आए मेरे अदीदों, न रसूल ने वैस को देखा, न वैस ने रसूलुल्लाह को देखा, मगर मैं यहाँ पर एक बात सामीन के हवाले करना चाहता हूँ। फिर रसूल को एहसास कैसे हुआ कि मैं अपने जाहिर की खुशबू महसूस कर रहा हूँ? आए मेरे अदीदो, माँ की खिदमत करो। माँ की खिदमत करने से माँ की दुआ जो है आपके वजूद में ऐसी खुशबू पैदा देती है कि आप वहाँ ना भी हो मगर आपके आने की खुशबू नबी महसूस कर लेता है, नबी महसूस कर लेता है। लिहाजा माँ की खिदमत करो, माँ का एहतराम करो। अगर हुसैन के चाहने वाले हो, अगर हुसैन के अदादार हो, हुसैन के शिया हो, बस बात को ख़त्म करूँगा, वक्त बहुत ज़्यादा है। आज के शब का मैसेज और पैगाम था आमद हुसैन पर। हुसैन भी अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ा प्यार करते थे। अदीदाने गिरामी, हमारा और आपका फ़र्ज होता है कि हम भी अपने वालदैन से प्यार करें, मोहब्बत करें, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करें। मैं रिसाला देख रहा था 30 साल पुराना, कुछ अशार मिल गए, बस ज़्यादा नहीं, 4 या 5 शेर है, उसके बाद जहमत तमाम है। मैंने कहा नहीं, आज नौजवान और जवानों को ये बात सुनानी है, आज नौजवान और जवानों को यह बात सुनानी है। एक सलवात पढ़े तो सुना दूं। मैं तेजी के साथ पढ़ता जाऊंगा, आप समझते जाइएगा। हुसैन इब्ने अली के नाम पर बेदार हो जाओ, हुसैन इब्ने अली के नाम पर बेदार हो जाओ, खुदारा ख्वाब गफलत से बसब होशियार हो जाओ। अगर तुमको, अगर तुम नक्शे पाए बूजरो अम्मार हो जाओ, अगर तुम नक्शे पाए बूजरो अम्मार हो जाओ, अली की दोस्ती में तुम भी हिस्सेदार हो जाओ, अली की दोस्ती में तुम भी हिस्सेदार हो जाओ, और ख़ुद अपने नफ्स से तुम बरसरे पैकार हो जाओ। हुसैनी हो अगर तो साहिबे किरदार हो जाओ, और टहोके दे रही है गर्मीये हालात की शिद्दत, टहोके दे रही है गर्मीये हालात की शिद्दत, सरों पर धूप है अब नींद से बेदार हो जाओ, सरों पर धूप है अब नींद से बेदार हो जाओ। अगर कौलो अमल पर है नज़र अपने आइम्मा के, तो क्या मुमकिन नहीं तुम साहिबे किरदार हो जाओ? तसव्वुर से दिल में करबला के भूखे प्यासों का तसव्वुर लेके दिल में करबला के भूखे प्यासों का आज़ादारो जिहादे नफ्स पर तैयार हो जाओ। अब ये 2-3 शेर के लिए जहमत दी है। नमाज़े ज़ोहरे आशूरा की अजमत है अगर दिल में, नमाज़े ज़ोहरे आशूरा की अजमत है अगर दिल में, जमात की नमाज़ों के लिए तैयार हो जाओ।
जमात की नमाजों के लिए तैयार हो जाओ। और नमाज असर आशूरा का मंजर दर्स इबरत है, नमाज असर की आजमत से वाकिफकार हो जाओ। और कदम पर राह हस्ती में न हरगिज डगमगाएगा, कदम फिर राह हस्ती में न हरगिज डगमगाएगा, नमाज पंजगाना पर अगर तैयार हो जाओ, नमाज पंजगाना पर अगर तैयार हो जाओ। और कहा आशूर को ज़ैनब ने अपने नौ निहालों से कमर कसकर, कमर कसकर जवाब हैदर कर्रार हो जाओ। आइए अदीदाने गिरामी, इन अशार के साथ मैं अपनी बात को तमाम करना चाहता हूँ और साथ साथ आप तमामी सामीन हजरात की खिदमत में तहे दिल से अपनी तरफ से और इमामबाड़े के ज़िम्मेदारान अफराद की तरफ से, ट्रस्टियान की तरफ से तहे दिल से आमद हुसैन पर तबरीक मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ साथ आप तमामी हजरात की तरफ से और ख़ुद अपनी तरफ से मौला इमाम असर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में मौला इमाम हुसैन की आमद पर तबरीक व तहनियत अर्ज़ करता हूँ। और साथ साथ बारगाह इलाही में दुआ गो हूँ, परवरदिगारा इस जश्न को, इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमा। परवरदिगारा जितने भी मोमिनीन यहाँ बैठे हैं, हम सबको जल्द अज जल्द करबला में रहने वाले रोज़े मुबारक इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत का शरफ़ हासिल फरमा। परवरदिगारा हम गुनहगार हैं, हम खताकार हैं, हमने जश्न मौला बर्पा किया, मलाइका खुश हैं, अहले बैत खुश हैं, मोमिनीन खुश हैं, इन सब की खुशियों का वास्ता इन तमाम मोमिनीन के गुनाह सगीरा व गुनाह कबीरा को माफ़ फरमा, इनकी दुआओं को कबूल फरमा, इनकी मुश्किलात और परेशानियों को दूर फरमा, जो इनमें बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़ी अता फरमा, जो बरसर रोज़गार हैं उनके रिस्क में खैर बरकत अता फरमा, जो मरीज़ हैं उन्हें शफाए कामिल व आजिल इनायत फरमा, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनके गुनाहों को माफ़ फरमा, उनकी कब्रों में रहमत नादिल फरमा, उन्हें जवार मासूमीन में जगह मरहमत फरमा। परवरदिगारा बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद वारिस हकीकी वारिस ज़हरा हज़रत वली आज़र के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सब को उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।